हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पुलिस वाला क्लासेस। माय नेम इज अंशुका एंड आई एम योर मैथ्स मेंटोर। सो चैप्टर चल रहा है हमारा डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। बेसिकली डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, तीन क्लासेस उसकी हो चुकी है, तीन से चार, तीन, हाँ मे भी तीन क्लासेस हो चुकी है। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। टाइप हम हर क्लास में नई नई टाइप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जितनी भी टाइप पूछी गई ऑलमोस्ट हर टाइप हम कवर करेंगे, जिसमें किसी में स्पीड दे रखी, किसी में डिस्टेंस दे रखा हो, किसी में कुछ रेशो दे रखा हो, स्पीड हाफ, डिस्टेंस हाफ, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और काफ़ी टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कल की क्लास में अगर मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ कल की क्लास में बेसिकली हमने क्या सीखा था। कल हमने ये वाले क्वेश्चन सीखे थे कुछ, कि एक अगर लड़का 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और आते वक्त इतनी 4 किलोमीटर स्पीड के मान लो, तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम उसको लग रहा था ना, मतलब इतना टाइम ज़्यादा इतना टाइम कम। तो हमने वो वाली टाइप डिस्कस की थी कल की क्लास में, उसके ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए थे। ये वाला मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये वाले केसेस कि अगर अर्ली हो, सेम सेम हो तो माइनस करेंगे, अगर डिफरेंट अपोजिट हो तो बेसिकली हम ऐड करेंगे। तो ये वाली हम चीज़ें कल पढ़ चुके हैं। ओके, सो आज हम एक नई टाइप से पढ़ेंगे। क्या है अगली टाइप इसके बारे में जानते हैं, क्या कह रहे हैं। देखो, इन दिस वैरायटी चेंजेस इन स्पीड आर गिवन एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस इन टाइम आर आल्सो गिवन। मतलब स्पीड के साथ साथ आपकी बार टाइम में भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वाली टाइप में क्या था कि इतना टाइम लगा है दोनों को, आने में जाने में 2 घंटे लगे। सेकेंड वाली टाइप में क्या था कि जाने में इतने टाइम, आने में टाइम गिवन ही था। बेसिकली चीज़ क्या गिवन थी कि हमारे पास कि इतना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। थर्ड वाले टाइप में, इस वाले टाइप में क्या है हमारे पास कि जाने में 20 मिनट, आने के लिए भी टाइम दे देंगे कि आने में 40 मिनट लग रहे हैं। तो बेसिकली हमें स्पीड डिस्टेंस जो फाइंड आउट करवाना है वो फाइंड आउट करवाएंगे। तो आई होप आपको तीनों टाइप में तीनों टाइप में डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए इस वाले टाइप पे क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन, फिर उस तरीके से हम समझ। क्वेश्चन पढ़िए। व्हेन अ पर्सन डिक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेट। अगर एक पर्सन है, मान लो ए प्लेस से प्लेस पे जा रहा है, बी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो क्या कर रहा है, खुद को डिक्रीज कर रहा है स्पीड को, तब उसको टाइम कितना लगता है, 20 मिनट। 20 मिनट क्या पहुंचता है, वो लेट पहुंचता है। ओके, आगे क्या रखा है, व्हाइल व्हेन ही डिक्रीज इट स्पीड, जब अब वापस ए से लेके बी तक जा रहा है, अब अगर वो अपनी स्पीड कम कर दे 2 किलोमीटर पर आवर से, तब उसको टाइम कितना लग रहा है, तब वो पहुंचता है 5 मिनट की स्पीड से। तो हमें एक्चुअल स्पीड बतानी है कि एक्चुअल स्पीड क्या होगी उस पर्सन की, इस पे बिल्कुल वो करेक्ट टाइम पे वो पहुंच जाए प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक। ये क्वेश्चन था, और भी मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं एक मिनट, अब समझते हैं, तब अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस के टाइप में सिंपली कुछ नहीं करना आपको, स्पीड आपको एस मान लेनी है। ठीक है, एस। अब क्या है कि अगर वो क्या कर दे, अपनी स्पीड डिक्रीज कर दे, कितनी डिक्रीज कर दे, 6, सिंपली हो गया, डिवाइड कर देंगे जितनी उसकी स्पीड है इतनी, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम, टाइम क्या दे रखा है 20 मिनट्स, मिनट्स को सिंपली चेंज करेंगे आवर में, तो पता है 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड, इक्वल कर देंगे। मतलब क्या, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे हम, क्योंकि दो इक्वेशन है, एक ए बी मतलब जिसमें हमने कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर डिक्रीज स्पीड की है, एक सेकेंड इक्वेशन है जिसके अंदर हमने कितनी स्पीड डिक्रीज की है, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने डिक्रीज की। तो स्पेशली हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन बनेंगे। सेकेंड इक्वेशन बनेगी स्पीड एस, कितनी स्पीड कम की है 2 किलोमीटर, तो एस माइनस 2, डिवाइड कर देंगे सिंपली जो स्पीड दे रखी है 2, मल्टीप्लाई बाई टाइम से, टाइम क्या दे रखा है हमारे पास 5 मिनट, उसको डिवाइड कर देंगे 60। ओके, अब देखो 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 3 6, एस इंटू एस माइनस 6 और 6 3 18 इक्वल्स टू, एक यहाँ पर 5 था ना, हाँ ये किससे कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये 12 से कट जाएगा हमारे पास 12 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस 2 डिवाइड बाई 2 की मल्टीप्लाई 12 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आ गया, अब तो हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ इक्वेशन क्या करना है, इक्वेट करना है। तो मिला रहे थे ऊपर वाले कैलकुलेटर, हमें बेसिकली क्या करना है, दोनों इक्वेशन को हमें इक्वेट करना है। हमारे पास ये आ गई है। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, एस का स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस 6x इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एस का स्क्वायर और माइनस 2s, डिवाइड में क्या है 18 24, 6 से काट दो, 6 3 18 और 6 4 24, 3/4 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेसिक, तो या फिर सिंपली हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और तो क्या ही करेंगे, सुनो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं करना, उससे बेस्ट मेथड क्या होगा,
वैल्यू पुट अप कर लो, ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, सिंपली इसके अंदर देखो बता देती हूँ। मान लो इक्वेशन आ गई एस, कोई मेथड यूज कर सकते हो, मतलब मेन चीज हमारे पास क्या थी कि किस क्या मेथड है। मेथड मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन हमें क्या करना है, सिंपली इक्वेट करना है। उसके बाद आगे हमारे ऊपर बात है कि हम किस तरीके से दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और वेरिएबल हमारे पास एक दे रखा है सिर्फ एस, तो हम इजिली कोई भी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। डिवाइड बाई फोर, जो ऑप्शन दे रखे हैं सिंपली एस की वैल्यू पुट अप कर दो, जो से ऑप्शन को इक्वेट करेंगे वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर ये पूछा गया है ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्या है अगला क्वेश्चन, रीड आउट करो क्वेश्चन को। देन अ पर्सन डिक्रीजेस इट्स स्पीड, रिपीट हो गया ना वापस वही वाला आ गया, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये वाला, इफ अ स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेज बाई 10 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन डिक्रीजेज बाई 1 आवर। इफ द स्पीड डिक्रीज बाई 10 किलोमीटर फर्दर, देन टाइम अगेन रिड्यूस बाई 45 मिनट्स। कुछ नहीं करना, सिंपली दे रखा है एस, स्पीड मान लेंगे। क्या कह रखा है, पर ट्रेन इंक्रीजेज 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते, तो क्या आएगा प्लस का साइन, सिंपली डिवाइड कर देंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम क्या दे रखा है हमारे पास 1 आवर, 1 आवर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इक्वल कर लेंगे सेकेंड वाली स्पीड। क्या कह रखा, इफ स्पीड इंक्रीजेज फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर की स्पीड क्या है और बढ़ जाती है, 10 पहले 10 थी, 10 और बढ़ जाती है, तो 10s+20 माइनस आएगा, कैसे बता देती हूँ आपका रीजन, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो स्पीड है वो, और स्पीड माइनस जो हमारे पास s1 क्या है, जो स्पीड दे रखी है हमारे पास। ओके, डिवाइड कर देंगे बेसिकली 20 से, क्योंकि 20 स्पीड हमारे पास दे रखी है, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम क्या दे रखा है 45 मिनट्स, सिंपली 45 मिनट्स को कन्वर्ट कर लो आवर में, तो डिवाइड कर देंगे 6। अब देख लो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से स्पीड आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, हमें निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, जो भी स्पीड आए, टाइम हमारे पास गिवन बेसिकली है, उसे टाइम से मल्टी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इनको क्वेश्चंस को सोल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करो, मैं तो करवा ही रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन में करवा देती हूँ कि क्या मेथड है, पूरा का पूरा आंसर लगभग, बस आपको लास्ट में क्या है कि वैल्यू इक्वेट करनी खुद होगी, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको भी श्योरिटी होगी कि हाँ हमसे वो चीज़ें हो रही है, और क्वेश्चन करने के बाद कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दिया करो। ओके, अगली टाइप पढ़ते हैं, न्यू टाइप कि क्या है अगली टाइप, एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन से मैं आपको सारी टाइप बेसिकली समझाने की पूरी ट्राई करूँगी। ए पर्सन गोज टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली विच इज़ 240 किलोमीटर फार, पर्सन है जो जा रहा है जयपुर, दिल्ली से कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझ, ये दिल्ली हमारे पास है बेसिकली, ये हमारे पास जयपुर, दिल्ली जयपुर जा रहा है, कितना किलोमीटर है ये, ये रखा है 240 किलोमीटर, कितना है 240 किलोमीटर। ही कवर्स सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस बाई बस, जो ये पर्सन है एक कुछ डिस्टेंस तो किससे कवर करता है, बस से, एंड रेस्ट पार्ट बाई ट्रेन, कुछ कवर करता है ट्रेन से, आधी डिस्टेंस, आधी नहीं मतलब हमें नहीं पता, कुछ करता है बस से और कुछ करता है हमारे पास ट्रेन से। ओके, आगे कह रहे हैं टाइम टेकन बाई हिम टू कवर कम्प्लीट डिस्टेंस इज 6 आवर, पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम है बेसिकली हमारे पास दे रखा है, टाइम इक्वल्स टू 6 आवर, पूरी की पूरी डिस्टेंस का 6 आवर। आगे चलता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड डेट ऑफ ट्रेन इज 55 किलोमीटर। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ ही, मान लो यहाँ तक हमने किससे ट्रेवल किया, बस से, और बस की स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, जो बची हुई जो हमारे पास दे रखी है ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में 55 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझे, उसके बाद सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, हर एक चीज़ का होता है वो तो। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द पर्सन गोइंग बाय द ट्रेन, कि ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, टोटल तो दे रखी है 240 किलोमीटर, टोटल टाइम दे रखा है, हमें बताना है बेसिकली कि ये जो ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस है वो कवर अप की है, हमें क्वेश्चन में वो बताना है। चलिए करते हैं इसको भी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो लिख देती हूँ मैं वापस से, ये हमारे पास जयपुर
हमारे पास दिल्ली है, बेसिकली हमारे पास जयपुर है। टोटल डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास 240 किलोमीटर, ठीक है। जो पहला जो है ट्रेन से पहला किससे, बस से कवर करता है, फिर सेकंड किससे करता है, ट्रेन से करता है। मान लो यहाँ तक, यहाँ तक करता है बस से, और फिर यहाँ से यहाँ तक करता है ट्रेन से, ठीक है। स्पीड देख लेते कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 30 और 55। बस से दे रखी है स्पीड हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास बस से दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम दे रखा है 6 आवर, हमारे पास बेसिकली टाइम दे रखा है 6 आवर, ओके। ये चीज़ गिवन है ना, डिस्टेंस, बस की स्पीड, साथ में दे रखी है हमारे पास ट्रेन की स्पीड, और टाइम दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि हमें बताना है कि उसे ट्रेन में उसने कितनी डिस्टेंस बेसिकली कवर की है, हमें बताना है ट्रेन की डिस्टेंस, कि ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस है वो कवर की है। एग्जाम्पल दे देते हो, यहाँ से यहाँ तक आप मान लो कि आप स्कूल जाते हो, ओके। चलो आपका पीजी मान लो, अगर आप तैयारी कर रहे हो पीजी हॉस्टल रूम, वहाँ से यहाँ तक आप एक कोचिंग सेंटर जाते हो, आधी डिस्टेंस आप जा रहे हो पैदल बाई वॉक, और आधी बची हुई आप जा रहे हो, आपको एक अपना फ्रेंड मिली उसकी बाइक पे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपकी पीजी से लेके वहाँ तक आपकी है 5 किलोमीटर, पीजी से लेके कोचिंग तक कितनी है 5 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड दे दी, आप जब जा रहे हो तो आप 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, और बाइक पे जा रहे हो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ओके। आपको टाइम पहुँचने में लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 30 मिनट। तो पूछ रखा है कि जो आपने डिस्टेंस कवर किए ना बाइक पे, वो कितनी डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन पूछ, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, घुमावदार दे रखा है पर आसान है। देखो हम मान लेते हैं कि जब उसने बस से ट्रैवल किया उसको टाइम लगा T1, जब उसने बस से ट्रैवल किया उसको टाइम लगा T1, जब उसने ट्रेन से, और इस क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी मेथड एलिगेशन वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं, बट हमने जो पढ़ रखा है बेसिकली हम वही चीज़ करेंगे, ओके। ट्रेन से जब उसने ट्रैवल किया उसको लगा टाइम T2, टोटल टाइम कितना होगा T1 + T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम T, और आपको पता T हमारे पास दे रखा है, तो T1 + T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आवर्स। ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, ओके। अब देखो, अभी देखो आपको पता है टाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड को लिख देते हैं S, ठीक है। एंड T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये S1 इसकी स्पीड, इसकी हो जाएगी S2 इक्वल टू टोटल टाइम T। समझ में आया, ओके। अब देखो आपको पता है पूरा का पूरा कितना दे रखा है, 240 किलोमीटर। अगर मान लो इसको आपने मान लिया कि बस से उसने ट्रेवल किया एक्स किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है ट्रेन से कितना किया गया, 240 - x, टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर आपके घर से, आपके पीजी से लेके आपके हॉस्टल तक, ठीक है। आपने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया पैदल, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ 5 किससे किया होगा, बाइक से। तो वही चीज़ अगर इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 240 - x डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे लिए किसकी टाइम, T1 के लिए कितनी ट्रैवल किया हमने डिस्टेंस, एक्स किलोमीटर। स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर, प्लस सेकेंड डिस्टेंस कितनी है 240 - x, और स्पीड कितनी है सेकेंड के लिए 55 किलोमीटर, ठीक है। यही है ना, 30 और 55 है ना क्वेश्चन में, 30 and 55 वाली इक्वल टू टाइम T, ठीक है, दे रखा है। अब देख लो सिर्फ एक वेरिएबल है x, सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो x की वैल्यू होगी ना, जो x की वैल्यू आएगी वहीं आपके ऑप्शंस भी आ जाए x की वैल्यू, ठीक है। निकाल कर देख लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले हमें, बेसिकली क्या इसका एलसीएम क्या ही होगा, एलसीएम नहीं लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और x की वैल्यू यहाँ से आपकी सिंपली आ जाएगी, और आपकी जो भी x की वैल्यू होगी ना वहीं आपके चारों ऑप्शन में। मैंने सिंपली आपको फॉर्मूला बता दिया किस तरीके से पूरा यूज होगा, क्या होगा। सबसे पहले आपको इस तरीके से चार्ट बनाना होता है कि हाँ दिल्ली से आ जा रहा है, आपने बस की डिस्टेंस मान ली, उसने कवर किया x किलोमीटर, तो जाहिर सी बात बचा हुआ कितना हो जाएगा 240 - x, और सिर्फ मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया है टाइम वाला, T1 + T2 वाला टाइम वाला लगाया, T1 टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, T2 मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड सेकंड इक्वल टोटल टाइम, और सिर्फ वैल्यू पुट अप की, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं,
ये टाइप बेसिकली टाइप में कुछ भी नहीं है, अगर आप ये ऊपर का बेसक मत पढ़ो, आप ये कुछ समझाने के लिए था बट मैं आपको बाद में समझा दूंगी, इसको मत पढ़ो। ये है टोटल जो मेन चीज़ है, ये वो है कि टोटल कवर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड से डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम टेकन से। कैसे, मान लो कि आपसे ना पहले कह देगा कि हमने फर्स्ट डिस्टेंस इतनी कवर की, फिर सेकंड इतनी की, दो स्पीड दे देगा आपको। तो कैसे स्पीड फाइंड आउट करेंगे, एवरेज स्पीड 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 plus s2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, क्या है, s1 थ्राइस ऑफ s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 plus s2। अगर आप तीन स्पीड दे रखी होगी तो थ्राइस ऑफ s1 s2 s3 डिवाइड कर देंगे s1 plus s2 plus s3 से। ओके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मान लो एक ए है, ये बी है, कह देगा कि फर्स्ट डिस्टेंस उन्होंने कवर की 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सेकंड कवर की उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आपसे पूछ लिया एवरेज स्पीड बताओ क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड बताओ, फॉर्मूला लगाओ 2s1s2 डिवाइडेड बाई s1 plus s2। कल क्लास में आपको एक नया केस बताऊंगी इसी के अंदर, अगर टाइम कॉन्स्टेंट हो तो क्या करेंगे और अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो तो इसमें क्या करेंगे, ये वाले कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्वाइस ऑफ एस वन की वैल्यू क्या है, 15, एस टू की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, डिवाइड कर देंगे एस वन कितना हो गया 15, एस टू कितना हो गया 15 × 30 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड कर देंगे 15 और 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35, 5 से काट दो, 5 × 20 5 × 7 = 35, 120/7 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। इस एवरेज स्पीड से वो इंसान, वो कोई भी जिसने ट्रैवल किया है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है, अब कोई प्लेस ए दे दिया, कोई भी प्लेस बी दे, वो फर्स्ट कर रहा है 5 km/h की स्पीड, सेकंड कर रहा है 10 km/h की स्पीड से, और थर्ड कर रहा है 9 km/15 15 km/h की स्पीड से। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो, ये दे रखा है आपको, फर्स्ट दे रखा है 5 km/h, सेकंड दे रखा है 10 km/h, अगला दे रखा है 15 km। क्वेश्चन पूछ रखा है हमें बतानी है एवरेज स्पीड बतानी है। पहले आप ट्राई करो जल्दी से क्वेश्चन को, मैं तो करवा ही रही हूँ ऑफकोर्स सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात, जो मैं आपको जो काम देती हूँ ना, जैसे क्वेश्चन तो मैं समझ देती हूँ पूरा का पूरा कि भाई ये मेथड है, ये चीज़ है, और जहाँ पे इजी कैलकुलेशन हो, मान लो सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा हो, एक्स है एस है, एक्स दे दिया एस दे दिया, मैं कहती हूँ आपको सोल्व करना है, तो वो चीज़ आप ज़रूर सोल्व करा करो नोटबुक लेके, नोटबुक पेन लेके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तो सोचो कि हाँ भाई हो गया, बट वो चीज़ें सोल्व करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। अभी जो फॉर्मूला बताया सिंपली वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 एवरेज स्पीड दे रखी थी, जबकि बार दे रखी है हमारे पास 3 एवरेज स्पीड। कोई नहीं, फॉर्मूला लगा लो 3s1s2s3 डिवाइड कर देंगे सिंपली s1 plus s2 plus s3 से। एक मिनट रुक जाओ, सिंपली उसको डिवाइड कर देंगे। ओके मैं देख रहा हूँ आवाज़ वगैरह आ रही है, फिर मैं ऐसे बोले जा रही हूँ, ठीक है। 3s1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, s2 की क्या है 10, s3 क्या है 15, डिवाइड कर देंगे प्लस करके 5, 10 और 15, 15, 5, 20 और 10, 30 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी 3×5 = 15 और इसकी 150 डिवाइड बाई 30, 15 × 30 और इसको डिवाइड करेंगे तो 75 km/h की एवरेज स्पीड से जो गाड़ी है वो चल रही है, गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो, कुछ भी मान लो वो चीज़ है वो। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, मे बी तब तक ये वीडियो आएगी तब तक वो आ चुकी होगी वीडियो चैनल पे, हम दिल्ली पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, जिसके मैंने पहले आपको बताया हुआ था, बट अब वो टाइम फाइनली आ गया जब हम उस चीज़ को अपलोड करेंगे। उसके ऊपर वर्क तो हमने पहले कर लिया है, तो बेसिकली उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करवाएंगे आपको, सब टीचर्स मिलके अलग अलग, जैसे जो सब्जेक्ट की टीचर है वो आपको आके दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट है वो आपको करवाएंगे। तो बेसिकली आज ही क्लास में यही था जिसमें हमने दो टाइप नई सीखी थी, के अंदर एक टाइप में नई डिस्टेंस दे रखी थी, मतलब दो डिस्टेंस गिवन थी टाइम स्पीड के साथ, और सेकंड वाले टाइप हमने एवरेज वाली। नेक्स्ट क्लास में हम
और नए टाइप को डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। आज की क्लास छोटी है बट इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो सब्सक्राइबर्स बढ़े, अच्छी बात है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय, हैव अ नाइस ट्यूटोरियल।